बिहार के आरा में नेशनल हाईवे पर स्थित मजार का आखिरकार स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पटना बक्सर नेशनल हाईवे पर मजार था, जिसके कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कोइलवर थाना क्षेत्र के कैम नगर में स्थित यह मजार फोरलेन के बीच आ रहा था। मजार फोरलेन के बीच आने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मजार स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान मौके पर आरा एसडीओ एएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आरा डीएम राजकुमार ने बताया कि लंबे समय से मजार स्थानांतरण की योजना थी, जिसके बाद आज इसकी शुरुआत की गई है। हाँ देखिए, जो कायम नगर का मजार था वो उसके बारे में एनएचआई और भारत सरकार के द्वारा भी कई बार वीसी के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ कि मजार को शिफ्ट किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि रोड का एक अलाइनमेंट होता है, उसके कारण से दुर्घटनाएं भी हो रही थी। तो उसको शिफ्ट करने का हम लोगों ने सभी लोगों के सहयोग से प्रयास शुरू किया। कई दौर की वार्ता भी की गई स्थानीय लोगों के माध्यम से, और अंत में यह सहमति बनी कि हम लोग बगल में एक जो सरकारी भूमि है उस पर उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे आज से हम लोग उसकी शिफ्टिंग कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। एक बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है TDBD, उसे हम लोगों ने लगभग 9,75,000 रुपये देकर हायर किया है, जो इस काम के लिए जिसके पास एक्सपर्टीज है, जो विधिवत तरीके से जो बाबा का मजार है उसे पूरी जो विधि विधान होता है उसके तहत वो शिफ्ट करेंगे और नए जगह पर मजार को प्रतिस्थापित करेंगे। और हम वहाँ के आम जनता का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने प्रशासन का सहयोग किया है, और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके जो नए जगह पर जो शिफ्टिंग होगी उसे पूरी विधिवत तरीके से किया जाएगा, और उससे लोगों का आवागमन में सहूलियत होगी, एक्सीडेंट में बचाव होगा, और ये माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है, इसलिए हमको पालन करना बाध्यता है।